मुनि द्वारा मृत्यु पर जय पाना। सनत कुमार बोले, हे विभो, दारुवन स्थित तपस्वियों का जो वृत्तांत है उसे सुनने की हमारी इच्छा है। दारुवन में प्राप्त भगवान नील लोहित ब्रह्मचारी दिगंबर रूप से प्राप्त हुए, सो वृत्तांत कहिए। सूत जी बोले, सनत कुमार के ऐसे वचन सुनकर शैल आदि बोले, मुनि लोग स्त्री पुत्र और अग्नि सहित देव देव महादेव के प्रसन्नार्थ दारुवन में घोर तप कर रहे थे। तब प्रसन्न हुए जगन्नाथ वृषभध्वज प्रवृत्ति लक्षण ज्ञान जानने के लिए, निवृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, दारुवन वासी मुनियों की परीक्षा से लीला करने के लिए विकट रूप बनाकर दिगंबर तीन नेत्र दो हाथ कृष्ण शरीर वाले होकर दारुवन में गए और वहाँ मंद मंद मुस्कान से स्त्रियों में कामदेव की उत्पत्ति कराने, गान तथा भ्रू विलास करने लगे। कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी मधुर आकृति वाले उस नारी समूहों में काम वृद्धि करने लगे। वन में उस विकृत मूर्ति को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी और उनके पर्णशाला के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर के मुख से हंसने की चेष्टा से वे सभी ऐसी चेतनाहीन होने लगी कि उनके वस्त्र भूषण गिरने पर भी ध्यान नहीं था। कोई स्त्री शिव को देखकर घूम रही थी और कोई भौहों को चढ़ा चढ़ाकर विलास करने लगी। कोई नारी जिसके वस्त्र तथा कौंधनी गिर गई है हंसती हुई गान करने लगी। कोई जिनके नवीन वस्त्र गिर रहे हैं अपने कंकणों को विचित्र विचित्र बजाकर गान करने लगी। कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई धरातल पर गिर पड़ी, कोई हाथी की तरह बैठ गई, परस्पर हंसती हुई आलिंगन करती हुई शंकर के मार्ग को रोकती अति निपुणता करने लगी। कोई पूछने लगी, आप कौन हैं? कोई बोली, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न चित से कहने लगी, हम पर ही प्रसन्न हो जाइए। शंकर जी उनके वचन सुनकर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं बोले। तब उनके पति मुनीश्वर अपनी स्त्रियों को व्याकुल देखकर तथा शंकर जी को देखकर कठोर वचन बोलने लगे। उनका तप शंकर के आने पर इस प्रकार अस्त हो गया जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश में तारे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सुना जाता है कि ऋषि के शाप से ब्रह्मा का यज्ञ नाश हो गया था और भृगु के शाप से विष्णु को भी 10 बार अपना शरीर धारण करना पड़ा था। गौतम के शाप से इंद्र के वृषण हो गए थे। ऋषियों के शाप से वसुओं का गर्भ में वास हुआ। ऋषियों के ही शाप से राजा नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुआ। हरि भगवान का निवास स्थान क्षीर सागर भी ब्राह्मणों ने अपय कर दिया, परंतु बाद में भगवान हरि ने काशी में भगवान शंकर को दूध और अमृत से स्नान कराकर मुनि और ब्रह्मा के साथ उनको अभिषेक किया और क्षीर सागर को पूर्ववत कराया। मांडव्य ऋषि ने धर्म को श्राप दिया तथा दुर्वासा ने कृष्ण जी सहित यादवों को भी श्राप दिया। राम को अनुज सहित दुर्वासा का श्राप हुआ। इस प्रकार ये तथा अन्य बहुत से राजा ब्राह्मणों के वश में होंगे, परंतु शिव किसी के वश में नहीं हुए। इस प्रकार वे ब्राह्मण शंकर की माया से वशीभूत होकर शंकर जी को न जानकर कठोर वचन बोलने लगे। तब उसी क्षण शंकर जी अंतर ध्यान हो गए, ब्राह्मण भयभीत चित्त वाले हो गए तथा दारुवन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें दारुवन का सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा क्षण मात्र ध्यान कर उठकर हाथ जोड़ शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम भाग्यहीन हो जो अति उत्तम निधि को प्राप्त कर त्याग दिया। दारुवन में जो लिंगी विकृत आकार का आप लोगों ने देखा वह साक्षात परमेश्वर शिव ही था। गृहस्थों को अतिथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे सुरूप हो या कुरूप हो, चाहे वे मलिन हो और अपंडित हो। पूर्व में सुदर्शन नामक ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से ही काल को जीत लिया था। गृहस्थों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने पूर्व प्रतिज्ञा की और अपनी भार्या से कहा, हे सुभगे, हे सुव्रते, मेरे वचन सुनकर तुझको घर पर आए अतिथियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी अतिथि शिव रूप ही हैं। इससे अपने शरीर को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। भार्या पतिव्रता थी, पति की आज्ञा शिरोधार्य कर अतिथि सेवा करती रही।
एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने को ब्राह्मण रूप धरकर उनके घर पर आया। उस ब्राह्मणी ने पूजा की सब सामग्री से उस विप्र का पूजन भली प्रकार किया। भली प्रकार पूजा गया वह ब्राह्मण उस सुदर्शन की पत्नी से बोला, हे भद्रे, अन्न आदि सामग्री की आवश्यकता नहीं, तू अपना शरीर ही अर्पण कर दे। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का ध्यान करके नेत्र मूंद कर उसके पास चली और अपना शरीर उस ब्राह्मण को निवेदन कर दिया। उसी समय उसका पति सुदर्शन द्वार पर आया और बोला, हे सुभद्रे, आओ, कहाँ गई हो? तब उस समय वह अतिथि बोला, हे सुदर्शन, तुम्हारी भार्या के साथ मैं मैथुन में लिप्त हूँ। हे विप्र, सूरत के अंत में मैं संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोला, हे विप्र, यथा कामना इसका भोग करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाया और इच्छित वरदान देकर बोले, हे विप्रेंद्र, यह सुशोभना मैंने मन से भी नहीं भोगी, इसमें तुम संदेह मत करो, मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए ही यहाँ आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया है, अहो तप का कैसा प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्मराज चले गए। इसलिए हे भाग्यहीन ब्राह्मणों, अतिथि सब प्रकार से पूजनीय होता है। तुमने अतिथि रूप शंकर का अपमान किया है, उन्हीं की शरण में जाओ। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर वे ब्राह्मण बोले, हे महाभाव, हमने जीवन की अपेक्षा न करके शिव के दर्शन किए और अनिंद्य शिव की निंदा की और श्राप भी दिया, पर श्राप की शक्ति हमारी उनके दर्शन मात्र से कुंठित हो गई। अब हमको क्रम से सन्यास का उपदेश करो, तब हम देव देव शिव के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, पहले गुरु द्वारा 12 वर्ष तक वेदाध्ययन करके, फिर अर्थ विचार कर, धर्म का ज्ञान करके स्त्री की प्राप्ति करे, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके और उन पुत्रों को अनुकूलित वृत्ति में लगाकर अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करके वन में जाकर 12 वर्ष 1 मास अथवा 12 दिन तक मुनि दूध पान करता हुआ अग्नि में सब देवों का पूजन करके मंत्र द्वारा यज्ञ पात्रों को भी अग्नि में हवन कर दे, मिट्टी के पात्रों को जल में त्याग, धातु के पात्रों को गुरु को अर्पण कर दे, धन से ब्राह्मणों को दान दे, तब गुरु को प्रणाम कर मुनि को सन्यास धारण करना चाहिए, चोटी सहित केशों को त्याग दे, यज्ञोपवीत भी त्याग कर दे, भू स्वाहा इत्यादि मंत्र से 5 आहुति जल में छोड़कर इसके बाद वह यति शिव रूप हो मुक्ति का विचार करे, व्रत करके जल पीकर पर्णावृत्ति द्वारा दूध द्वारा अथवा फल द्वारा जीवन बिताता हुआ 1 वर्ष या 6 मास होने पर प्रस्थान करता चलाचल शरीर का अंत करके शिव सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार की भक्ति से शिव भक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र के भक्त को दान से, शुभ व्रतों से, यज्ञों से, विविध प्रकार के होमों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों और वेदाध्ययन से क्या प्रयोजन है। महात्मा श्वेत ने तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीत लिया था। ऐसी ही भक्ति परमात्मा शंकर में तुम सबकी ही हो।